सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए घंटी का बटन जिससे आपको मिल सके हमारी नई रेसिपी सबसे पहले। नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आलू मसाला इडली बनाएंगे। इडली बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सूजी की, फेटे हुए दही की, नमक की और इनो के पैकेट की। और इडली में भरने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी उबले हुए आलू की, प्याज की, बारीक कटे हुए हरे धनिए की, बारीक कटी हरी मिर्च की, जीरा पाउडर की, धनिया पाउडर की, लाल मिर्च पाउडर की, गरम मसाले की, अमचूर पाउडर की, नमक की और हींग की। अब हम सबसे पहले इडली में भरने वाला आलू का मिश्रण तैयार करेंगे। इसके लिए अब हम सबसे पहले आलूओं को फोड़ेंगे। हमने आलूओं को फोड़ लिया है। अब हम इसमें प्याज और हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर, हींग और नमक डाल करके इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। हमारा आलू का मसाला तैयार है। अब हम आलू के पेस्ट की छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लेंगे, उसको गोल करेंगे और इस तरीके से दबा देंगे। और इसी तरीके से हम सभी टिक्कियां बना लेंगे। ये टिक्कियां हमें छोटी छोटी ही बनानी है जिससे कि ये इडली के बीच में रखी जा सके। हमने सभी टिक्कियां बना ली हैं। अब हम इडली का बैटर तैयार करेंगे। अब हम एक बर्तन में सूजी कर लेंगे, इसमें दही डालेंगे, चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमारा इडली का पेस्ट तैयार है। इसमें हमने एक कटोरी सूजी में आधी कटोरी दही मिलाया है और पौन कटोरी पानी लगा है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। जब तक हमारा इडली का पेस्ट फूलता है तब तक हम एक कढ़ाई में पानी गरम कर लेंगे। हमने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी लिया है। अब हम इडली स्टैंड पर तेल लगा लेंगे। हमें 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम सूजी के पेस्ट को देखते हैं। हमारा सूजी का पेस्ट फूल चुका है। अब हम इसमें इनो डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमने यहां पर आधा पैकेट इनो डाला है। अब हम एक छोटी चम्मच से इडली के पेस्ट को इडली स्टैंड में डालेंगे और इसमें बीच में आलू की टिक्की रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर से फिर से छोटी चम्मच से ये डालेंगे। अब हम सभी इडलियों को इसी तरीके से बना लेंगे। और इसे हल्का सा हिला दें इस तरीके से। हमने सारे पेस्ट को इडली स्टैंड में कर लिया है।
अब हम इसे पानी में रखेंगे। हमारा पानी खोलने लगा है, अब हम इसमें इडली स्टैंड रखेंगे। हमें इसे ढक करके 10 से 12 मिनट तक पकाना है और गैस को मीडियम रखना है। अगर आपके पास ये कढ़ाई नहीं हो तो आप इडलियों को भगोने में भी बना सकते हैं। इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो भगोने में इडली कैसे बनाते हैं उसको देख सकते हैं। हमें 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इडली को चेक करेंगे। इडली को हमें साइड से चेक करना है, इस तरीके से। चाकू बिल्कुल साफ है, हमारी इडली तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इडली स्टैंड को ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी इडलियां ठंडी हो चुकी हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। हमने सभी इडलियां प्लेट में निकाल ली हैं। अब मैं आपको ये काट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, लीजिए, हमारी आलू मसाला इडली तैयार है। ये आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।